सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। किसी से भी झूठ बोलने, किसी से भी झूठ बोलें, लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोलें। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक दिन सफल जरूर होंगे। आज का पंचांग 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:03 से 11:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। धनु राशि 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, आप आज आत्मविश्वास से भरे हैं और यह बात आपके भाव गंभीरता और नजरिए से साफ झलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपने छाप छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रही तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अपने बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। कुछ समय आत्मचिंतन तथा आत्ममनन में जरूर व्यतीत करें। इससे आपको किस सुकून की तलाश थी आज वह हासिल होगी तथा अपने जीवन शैली में भी सुधार आएगा। जरूरत पड़ने पर आपको अपने शुभ चिंतकों से उचित मदद भी मिल सकती है। काम से अधिक मौज मस्ती पर ध्यान देने से बेकार के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के समय में खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। सही गलत का फैसला करना आपके लिए कठिन होगा। कड़ी मेहनत करने की गलती ना करें। कौन सी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी आप केवल शौक के लिए कर रही हैं, ये जानना जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई से संबंधित एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। किसी व्यक्ति के लिए बढ़ रहे आकर्षण को ठीक से समझना होगा। पैर दर्द और पैर पर सूजन महसूस हो सकती है। सावधानियां, अपने अंदर परिपक्वता लाएं तथा जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। कोई सपना अधूरा रहने से मन कुछ उदास भी रहेगा। महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने से बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। प्रेम संबंध गहरा होगा। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था तो आज अब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। इस समय व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ मंदी रहेगी। सहकर्मियों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। अपने काम संबंधित गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कारोबार में लाभदायक स्थितियां बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए थोड़ा नम्र बनना होगा। आपको हालांकि इस बात का एहसास भी नहीं है, परंतु आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं। इसलिए दूसरों की आलोचना करने की बजाय आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपका व्यवहार कैसा हो रहा है। आपको अपने अंदर झांकने के लिए
यह बहुत सही समय है और आपको अपने आप को नजदीक से देखने और जांचने के लिए इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। सेहत का इस समय आपको पूरा ख्याल रखना होगा, ज्यादा बाहर घूमने से बचें। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।